Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के चार चार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। खबर है कि उधमपुर के इलाके में कठुआ में एक संयुक्त तलाशी अभियान चल रहा था और उसी दौरान कठुआ बसंतगढ़ बॉर्डर पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें अब घेराबंदी डालकर ताबड़तोड़ तरीके से एनकाउंटर चल रहा है। पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि जंगल के इलाके में जो बसंतगढ़ का इलाका है वहां पहाड़ी चोटी पर कुछ आतंकी छिपे हुए थे। जब संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और दूसरे सहयोगी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर पूरे इलाके में कॉर्डन डाल दिया गया है और इस वक्त भारी गोलीबारी चल रही है। इसके अलावा जंगल के इलाके में और भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भेजा गया है ताकि उन आतंकियों को घेर कर ढेर किया जा सके। बताया जा रहा है कि ये आतंकी गतिविधि 11 सितंबर को दोपहर 12:50 के करीब हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी खोल दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि घेराबंदी की गई है और दोनों तरफ से कुछ राउंड फायरिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के चलते आतंकवादी गतिविधियों में एकाएक तेजी देखने को मिल रही है। 3 चरण में चुनाव होने हैं, इसी के चलते खुफिया एजेंसियों को प्रदेश के कई हिस्सों में आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर चुनाव और कैलाश कुंड यात्रा पर हमले की आशंका है। खुफिया सूत्र कहते हैं कि आतंकी सुरक्षा बलों और पुलिस के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। जिस तरह से जैश ए मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान में बैठकर भारत विरोधी कदम उठाता रहा है, उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए वहां से सारी कोशिश की जाएगी। मौलाना मसूद अजहर ने भारत में आतंक फैलाने के लिए ही जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन बनाए हैं, जिसे भारत ने बैन किया हुआ है। इसके बाद से ही लगातार जैश ए मोहम्मद लगातार भारत में हमले करने की कोशिशें करता रहा है और 2019 में उसने पुलवामा बम विस्फोट भी किया था। लेकिन अब खबर है कि 3 से 4 ये आतंकी इस वक्त यहां घिरे हुए हैं और यहां लगातार गोलीबारी हो रही है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस जंगल में ये गोलीबारी हो रही है वहां जल्द ही सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।